राज्यों में उठापटक का सामना कर रही कांग्रेस को अब जम्मू कश्मीर में बड़ा झटका है। प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व चार मंत्रियों और तीन मौजूदा विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सामूहिक इस्तीफा भेजा है। इन नेताओं ने यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है कि पार्टी की राज्य में स्थिति खराब है और उस पर बात करने के लिए लीडरशिप की ओर से समय नहीं दिया जा रहा है। सूत्रों ने कहा है कि जिन विधायकों और पूर्व मंत्रियों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है वे G23 में शामिल नेता गुलाम नबी आजाद के करीबी हैं। गुलाम नबी आजाद कई बार कांग्रेस में अध्यक्ष के चुनाव और अन्य सुधार के लिए आवाज उठाते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन नेताओं ने इस्तीफे का लेटर सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल को भी भेजा है। इन नेताओं ने लीडरशिप पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर पर भी निशाना साधा है। गुलाम अहमद मीर पर निशाना साधते हुए नेताओं ने कहा है कि उनकी वजह से ही जम्मू कश्मीर में आज पार्टी की हालात खराब है। बागी नेताओं ने कहा है कि मीर के कमजोर नेतृत्व के चलते अब तक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के 200 नेता पार्टी से पलायन कर चुके हैं। हालांकि गुलाम नबी आजाद के ही करीबी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने पूरे घटनाक्रम से दूरी बना ली है। इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि उनकी ओर से कई बार राज्य में पैदा हुई समस्याओं पर बात करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को संदेश दिया गया लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला है। नेताओं ने कहा है कि उनकी ओर से करीब एक साल से लीडरशिप से मुलाकात के लिए वक्त की मांग की जा रही थी लेकिन टाइम ही नहीं दिया गया और यही रही। नेताओं ने कहा है कि अगस्त में राहुल गांधी जब आए थे तब भी उनसे मिलने का वक्त मांगा गया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। मैं बता दें गुलाम नबी आजाद और गुलाम अहमद मीर पर गुस्सा निकालते हुए नेताओं ने कहा है कि उनकी लीडरशिप में केंद्रीय शासित प्रदेश में स्थिति खराब हो रही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।